नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहिबगंज में डॉक्टर के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा। खबर झारखंड के साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सकरी गली रामपुर निवासी मोहम्मद इरशाद पिता शेख समीर ने अपने पिता के इलाज के गड़बड़ी के मामले में पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन सौंपा, जिसको उन्होंने जिक्र किया है कि मैं अपने पिता का इलाज के लिए साहिबगंज आया था तो पता चला कि कोई हड्डी का डॉक्टर अपने क्लिनिक खोले हुए है। जब मैं वहां गया तो देखा कि आयुष ऑर्थोपेडिक एवं हेल्थ केयर सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड में डॉक्टर अजय कुमार का नाम लिखा था। मैंने अपने पिता का इलाज कराया, मुझे प्लास्टर करवाने के लिए सलाह दी गई। डॉक्टर द्वारा मेरे पिता के पैर का प्लास्टर किया गया। कुछ दिन बाद ही मेरे पिता का पैर सड़ गया। आवेदन में दर्शाया गया है कि जब मैं इस मामले में डॉक्टर से दोबारा मिला तो मुझे तो डॉक्टर भगा दिया गया और कहा कि यहाँ से बाहर ले जाओ। मैं अपने पिता को बाहर ले गया और काफी इलाज में खर्च भी किया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया है कि जब मैं डॉक्टर के बारे में छानबीन की तो पता चला कि यह फर्जी है। किसी दूसरे डॉक्टर जो पटना वैशाली के रहने वाले अजय कुमार है, उनके नाम से यहाँ क्लिनिक चलाई जा रही है, जबकि उस फर्जी डॉक्टर का नाम विकास कुमार सिंह है। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद नौशाद आलम ने क्या कहा। संथाल परगना हेड उज्जवल सिंह की रिपोर्ट। इस मामले में अभी तक कहां कार्रवाई हुई है? मोहम्मद इरशाद जो सकरी गली के रहने वाले हैं, इनका वालिद शेख समीर की एक्सीडेंट वगैरह में पांव में फ्रैक्चर आया था। जब उन्होंने ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए डॉक्टर अजय साहब के यहाँ गए हुए थे, ट्रीटमेंट में जैसा कहना है इनका आवेदन जो लिखे हैं कि अप टू मार्क नहीं हुआ, जिसके वजह से और उम्र जो बढ़ता गया अंततः पांव सड़ने लगा और दूसरी जगह ट्रीटमेंट करवाए, बहुत सारा इंटरनल ऑर्गन भी फेल होने लगा उसी के इफेक्ट पर, अंततः एक्सपायर कर गए। इस संदर्भ में इन्होंने आवेदन दिया था तो जीरोवाड़ी थाना में हम लोगों ने कांड दर्ज करवाया है। जांच इसकी चल रही है कि नेगलिजेंसी किस हद तक इनकी है, और डीसी साहब को भी है और चिकित्सा विभाग को भी सूचनाएं प्रॉपर वे में भेजी गई है। तो समय के रूप से जाँच चल रहा है और आगे जो उचित होगा विधि सम्मत जो करवाई होगी। थैंक यू।